लास्ट क्लास में हमने मीन मीडियन एंड मोड का एक क्वेश्चन किया था। यस बच्चे, मैंने किया हुआ है। इन केस यू वांट आस्क एनी क्वेश्चन, बट प्लीज जब क्वेश्चन पूरा हो जाए उसके बाद में, बीच में नहीं, ठीक है? व्हेन अ क्वेश्चन इज डन, सॉल्यूशन पूरा हो जाए उसके बाद में यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट टॉपिक ओनली, दैट क्वेश्चन ओनली, अगर कहीं पर आपको कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा है तो। फाइन, सो मैंने अपनी तरफ से म्यूट नहीं किया हुआ है, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, बट अगेन क्वेश्चन के बीच में नहीं है, अदरवाइज मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा और शायद ठीक से जवाब ना दे पाऊँ। चलो, सो व्हाट वी हैव अनदर क्वेश्चन 14.3, नहीं 4 का क्वेश्चन नंबर 2, जो आपने शायद कुछ ने कर भी लिया होगा। इजी क्वेश्चन है बहुत, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी की तरह है। मैथमेटिक्स के टेस्ट के कुछ मार्क्स दिए हुए 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स से याद आया, आप लोगों ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे जिस जिसने साइंस का टेस्ट दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स के लिए। एनीवे, सो आउट ऑफ 100 यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, वी नीड टू फाइंड आउट मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा। जो जो इनकरेक्ट हुए उसमें साइंस वाले में वो मुझसे पूछ सकते हो, मतलब बाद में मैं आपको भेज दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए हैं, ठीक है? सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट अभी। सो मीन के लिए आप क्या करोगे, मीन फाइंड आउट करने के लिए सिंपली टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे किसको, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को। जब भी आपको क्वेश्चन में मीन मीडियन मोड तीनों ही फाइंड आउट करने के लिए दिया हो, या फिर मीडियन फाइंड आउट एटलीस्ट उसमें दिया हुआ है, तो बेटर है कि आप डेटा को अरेंज कर लो। किस किस को वॉइस क्रैक्ट सुनाई दे रही है मेरी, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। आदित्य को मेरी वॉइस क्रैक होकर आ रही है, आई जस्ट वांट टू नो इफ इट्स क्लियर और नॉट। मेरी वॉइस किस किस को क्लियर आ रही है, प्लीज एक बार कंफर्म कर दो। इट्स क्लियर, ओके, थैंक यू वर्चेंट अर्नब एट तन्वी। चलो, फिर उस केस में आदित्य एक बार चेक कर लो आप अपना नेटवर्क, में भी कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है? आई होप आपको ये सुनाई दे गया हो। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर आपको क्वेश्चन में मीडियन दिख जाए तो पहले ही अरेंज करके रख दो, सो डेट आप मिस्टेक ना करो। ये आप एक रूल बना लो कि जब भी आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया है उसको अरेंज तो करना ही है, इवन मीडियन और मोड नहीं भी दिए हैं तब भी कर लिया करो, तो आपको आदत पड़ जाएगी, जिससे कि आपकी फर्दर कभी मीडियन पूछा होगा तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली कि हमें इस डेटा को अरेंज भी करना है। क्योंकि मीडियन फाइंड आउट करने में सबसे कॉमन मिस्टेक यही होती है, आपने फॉर्मूला सही अप्लाई किया, आपने वैल्यूज सही यूज करी अपने हिसाब से, लेकिन आपने डेटा को अरेंज नहीं किया था, ना तो असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है, ठीक है? तो आपको पहले डेटा को अरेंज कर लेना है, वेदर असेंडिंग करो या डिसेंडिंग करो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप डिसेंडिंग भी कर सकते हो, मैंने असेंडिंग किया है। सो असेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा ये है जो मार्क्स गिवन है, उसके बाद में मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस जब आप ऐड करोगे, ऐड करने में बहुत ध्यान रखना है प्लीज, इसमें भी बहुत मिस्टेक होती है। एडिशन में बहुत केयरफुली आपको ऐड करना है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ और जब क्लास में ये क्वेश्चन बच्चे करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आंसर आना बहुत मुश्किल होता है सभी के लिए। फर्स्ट टाइम में एडिशन में ही मिस्टेक हो जाती है, किसी का कुछ आता है कि किसी का कुछ आता है। यू कैन नॉट यूज कैलकुलेटर्स, है ना? आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हो एग्जाम में, तो घर में भी जब हो तो ट्राई करो कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, कैलकुलेटर का, फोन के कैलकुलेटर का यूज ना करो, अपने आप ही कैलकुलेट करो। कैलकुलेशन में आप इनको अपने हिसाब से थोड़ा सा रीग्रुप कर सकते हो, जैसे 39 को 41 में ऐड कर सकते हो, इजी होगा। 39 + 41 = 80 होता है, 40 + 40 = 80 होता है, 42 + 48 = 90 होता है, 46 + 54 कर सकते हो, 100 हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रुपिंग करके आप ऐड कर सकते हो, सिंपली करना है तो सिंपली करो, उसमें कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि आपको एडिशन कैसे करनी है, बस एडिशन में आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। आंसर गलत होगा तो इसी रीजन से होगा, मीन में। नाउ वी हैव सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर आंसर है 1822, ऑब्वियसली मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप ऐसे नहीं करोगे, आप रफ में करके देख लेना। और कितनी ऑब्जर्वेशंस है, क्वेश्चन में 15 दी हुई है, तो 15 से हम डिवाइड करेंगे।
अगेन मीन का कोई भी आंसर हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़कर आते हैं। जब भी आप मीन को, यस हाँ, मीन का आंसर लिखोगे, मीन लिखोगे, तो वो हमेशा डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो आप डेसिमल के 1 पॉइंट तक उसको राउंड ऑफ कर दोगे, 1 और 2, डिपेंड्स कि कितने किस टाइप का डेटा है। सो यहाँ पर हमने मीन को 54.8 15 से डिवाइड करके आंसर ला दिया। ये हमारा मीन है, एवरेज मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स। नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होती हैं, तो हम सिंपल वाला n+1 1/2th टर्म जो भी होगी वही हमारी मीडियन होगी। मीडियन इक्वल्स टू, ये जरूर मेंशन कर देना, सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मीन्स जो डेटा है उसमें कितनी ऑब्जर्वेशंस है, वो ऑड है, 15 है, मीन्स ऑड है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? n+1/2th टर्म। अगेन ये आंसर नहीं होता है, आंसर क्या होगा, ये वाली जो टर्म होगी इस अरेंज डेटा में वो हमारा आंसर होगा। एन के प्लेस पर नंबर ऑफ टर्म्स रखेंगे विच इज 15, 15+1 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, तो 8 हमारा मीडियन नहीं है। मीडियन का सिंपल तरीका तो यही होता है, आप आधे आधा इसको डिवाइड कर लो, बीच में जो भी बचे वही आपका आंसर हो गया, ठीक है? मिडिल मोस्ट टर्म जो भी होती है वही मीडियन होती है। वंश अरेंज डेटा में अरेंज करोगे आप पहले, उसके बाद जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी वही आपका मीडियन होगा। और मीडियन का कोई और तरीका हो सकता है, लेकिन वो आपको आगे बताए जाएंगे। ग्रुप डेटा में हम मीडियन ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते जैसे हमने यहाँ करी हुई है, वो आप 10th क्लास में पढ़ोगे। मीडियन के एक दो तरीके हैं, आप ग्राफ से भी मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो, जस्ट ग्राफ ड्रॉ करो और उससे मीडियन आ जाएगा। सो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अभी आपको यही अप्लाई करना है। सो एथ एट हमारा मीडियन नहीं है, एट क्या लेंगे हम, जो अरेंज डेटा है हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उसमें जो भी एट्थ टर्म होगी स्टार्टिंग से वो ही हमारा मीडियन होगा। तो एट्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 52। सो 52 इज अवर मीडियन। इजी है, कई टीचर्स ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करवाते, वो क्या कहते हैं बच्चों से कि बस आधे आधे कर लो और उसके बीच में जो भी बचे, आधे इधर गए आधे इधर गए, जो भी बीच में बचा वो मीडियन हो गया, ऐसे भी करवा देते हैं। बट वो एक अच्छा सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसको प्रॉपरली स्टेप्स के साथ में करना सीखो, आगे आपके ही काम आएगा क्लासेस में। 17/2 कहाँ से है बच्चे, 15+1 कितना होता है, 15+1 17 होता है, 15+1 कितना होता है 16, है ना, 16 का हाफ कितना हुआ 8, तो 8 क्या है टर्म, 52। ठीक है, अब मोड, मोड आप बताओ, अरेंज डेटा में आप क्लियरली देखकर बता सकते हो कि मोड क्या है। अरेंज डेटा से ये फायदा होता है, 40 रिपीट हो रहा है एंड 52 रिपीट हो रहा है, और क्या रिपीट हो रहा है, और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 52 रिपीट हो रहा है ना, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, 52 की, तो मोड भी क्या होगा, यस 52 होगा। ऐसा ऐसा भी पूछ सकते हैं मोड के जगह, कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज, नहीं सॉरी, इवन का बताऊंगा वंश, अभी आएगा इवन का, इवन का वैसे पिछली क्लास में बताया था, भूल गए, व्हाट आर मॉडल मार्क्स, मोड की जगह वो ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, मॉडल, तो मॉड का मॉडल, मॉड एक ही बात है, ठीक है, मोड सॉरी, मॉडल एंड मोड एक ही बात है। अगर आपसे मॉडल पूछा है, मॉडल मार्क्स पूछे हैं, तो आप मोड ही बताओगे, उसका मीनिंग मोड ही बताना होता है। ये वर्ड बहुत कम यूज करेंगे, 10th क्लास में यूज करेंगे, बट मैंने आपको बता दिया इन केस आपके टीचर्स करने लग जाए। इवन में ये वाला फॉर्मूला होता है ना वंश, सपोज इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, एक बार याद दिला देता हूँ, इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो उस केस में मीडियन क्या होता है, n/2th टर्म प्लस n/2+1th टर्म और ओवर टू,
ठीक है, क्योंकि इवन टर्म्स होंगी तो बीच में दो टर्म्स बचेंगी। अब उन दोनों में से कौन से को हम बताएंगे, कौन सा मीडियन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो मिडिल मोस्ट टर्म्स होती हैं उनके सम को 2 से डिवाइड कर देते हैं। मीन्स अगर 16th, यहाँ पर 16 टर्म होती तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 8th टर्म प्लस 9th टर्म अपॉन 2। 8th टर्म क्या थी, 52 थी, 9th टर्म भी 52 थी, उन दोनों के सम को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, जिससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इवन टर्म्स हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मिडिल मोस्ट टर्म मीन्स एन अपॉन 2 प्लस उससे नेक्स्ट वाली टर्म, बीच की दो टर्म्स जो भी होंगी उनके सम को 2 से डिवाइड कर देते हैं। मीन ऑफ दीज टू टर्म्स होता है मीडियन ऐसे केसेस में। लास्ट क्लास में किया तो था, भूल गए या थे नहीं तुम, वंश तुम थे नहीं आई थिंक, है ना, तुम्हारे रिलेटिव्स आए थे। ऐसे ही होता है। चलो अभी आएगा फिर से क्वेश्चन, तब देख लेना, आई होप समझ आ गया हो। तो मोड क्या हो गया इस डेटा का, 52। इसके लिए आपको कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, तो एक स्टेटमेंट लिख देना प्लीज कि इन द गिवन डेटा 52 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, या 52 सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, और कितनी बार रिपीट हुआ है वो भी लिख देना, 3 टाइम्स। सो मोड ऑफ दिस डेटा इक्वल्स टू 52। जैसे हम पूछते हैं ज्यादातर बच्चों के कितने मार्क्स है, तो ज्यादातर बच्चों के 52 मार्क्स है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए बच्चों के वो कितने थे, 52 आए, रिपीटेशन जो हुआ मार्क्स का। इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं, किसी को कोई मुश्किल लगी? इसका जो असाइनमेंट है मैं अपलोड करूंगा अभी क्लास के बाद तुरंत ही, और आपको वो कल कल आफ्टरनून तक सबमिट करना ही करना है। आई डोंट केयर आपकी एग्जाम है, आपके स्कूल है या कुछ भी है, आपको कल दोपहर तक वो, अगर आपको चेक चाहिए और आपको नेक्स्ट क्लास में एंट्री चाहिए तो वो आपको कल आफ्टरनून तक सबमिट करना है। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दूंगा कभी भी, ऐसे नहीं दूंगा बर्डन डालना है आपके ऊपर मुझे, और ना ही मुश्किल क्वेश्चंस दूंगा इतने ज्यादा आपको। ये 14.4 है वंश, अभी हमने 3 ग्राफ वाली नहीं करी है, तो क्वेश्चन सिर्फ 6-7 क्वेश्चन, ज्यादा ज्यादा 10 क्वेश्चन, छोटे छोटे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस जो आप इजिली कर सकते हो। मुझे सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, और मुझे ये देखना है कि आपको जो छोटी छोटी चीजें हैं वो याद रहती है या नहीं रहती है, ठीक है, और वो मैं चेक करके भी नेक्स्ट डे आपको सबमिट करके दे दूंगा। तो आपको फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा अगर मिस्टेक्स हैं, और मुझे भी पता चल जाएगा, और आपके पेरेंट्स को भी थोड़ा सा पता चल जाएगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस है उस टॉपिक में, जो टॉपिक फिलहाल चल रहा है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ये क्वेश्चन काफी आता है, इसमें हमें क्या एक्सप्लेन करना है, आदित्य पूछो, बताओ बताओ क्या एक्सप्लेन करवाना है। स्लाइड को मूव करने से पहले बता दिया करो बच्चे, ठीक बाय देन आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, कई बार क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। मीन का मतलब होता है एवरेज, आदित्य एवरेज मार्क्स आप कैलकुलेट करते हो ना, जैसे किसी भी चीज का एवरेज, क्रिकेट देखते होगे तो एवरेज रन कितने हैं, सुना है एवरेज वर्ड, तो मीन एवरेज ही होता है किसी भी डेटा का, ठीक है, एवरेज दैट इज मीन। मोड क्या होता है, कोई ऐसी वैल्यू जो बहुत बार, जैसे किसी क्रिकेटर ने बहुत सारी सेंचुरीज मारी है ना, उसके जो भी जितने भी पूरे क्रिकेट करियर में उसने सेंचुरीज बहुत ज्यादा मारी है, तो उसका मोड क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि उसने सेंचुरीज सबसे ज्यादा क्या मारी है, सेंचुरीज मारी है, तो वो उसका मोड हो गया एक तरह से। फाइन, लास्ट वन मीडियन, मीडियन मिडिल वैल्यू होती है, बिल्कुल एक ऐसी वैल्यू जो उसके कम मार्क्स को और उसके ज्यादा मार्क्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सके। सपोज करो किसी पर्सन के कुछ मार्क्स इस तरह से आए, फिफ्टीन नाइनटीन, बताता हूँ बच्चे, देन 25, देन 28, है ना, तो हमें ये देखने की जरूरत है कि कहाँ से
कोई ऐसी वैल्यू, मिडिल वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू, जिधर से लेफ्ट साइड में तो मार्क्स उसके डिक्रीज हो रहे हैं और राइट साइड में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, मिडिल मोस्ट वैल्यू ऐसी। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू के लिए हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो इस केस में जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगी 4 5 ये वाली, ये हमारा मीडियन होगा। ठीक है, अभी मीडियन के लिए आप यही समझो, क्योंकि मीडियन ये आपका 10th क्लास में बहुत अच्छे से करा जाएगा कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड करे, दैट्स इट। अब इस केस में, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मीडियन गिवन है इस डेटा का, क्या है 63, उन्होंने बोला है इस डेटा का मीडियन 63 है और ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है, हमें इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो हमें पता करनी है किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। अब ये अगर अरेंज्ड है ऑलरेडी, तो मेरे हिसाब से मीडियन क्या होना चाहिए, कितनी टर्म्स हैं ये बता सकते हो, ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स हैं, है ना, 10 टर्म्स हैं, तो इसका मीनिंग, इसका मीडियन जो होगा वो क्या होगा, मिडिल मोस्ट टर्म्स का सम, मिडिल मोस्ट टर्म्स क्या है, ये दोनों हैं, इनका सम अपॉन 2, मींस जो फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2th टर्म प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, याद रखना है ये एन अपॉन 2 के बाद में प्लस 1 है, एन प्लस 1 अपॉन 2 नहीं है, अपॉन 2, तो एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स 10, 10 अपॉन 2 क्या हो गया 5th टर्म, और 10 अपॉन 2 5th प्लस 1 कितना हो गया 6th टर्म अपॉन 2, 5th टर्म की वैल्यू क्या है एक्स है तो यहाँ एक्स पुट कर दोगे, 6th टर्म की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2 पुट कर दोगे अपॉन 2, और मीडियन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है 63, तो यहाँ पर हम 63 पुट कर देंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी एक्स की वैल्यू, और यही कार्य हम अब करेंगे, लेट्स सी। ठीक है, जब भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ये देखो क्वेश्चन में मीन दिया है, मीडियन दिया है या मोड दिया है, इस केस में मीडियन दिया है, तो हम अपने हिसाब से इस डेटा का मीडियन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मीडियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम चलो अपने हिसाब से देखते हैं कि इसका मीडियन क्या आएगा, लेट्स सी। 10 टर्म्स हैं, इवन टर्म्स हैं, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला एन अपॉन 2th टर्म प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, मीन्स 5th टर्म प्लस 6th टर्म, एन के प्लेस पर 10 पुट किया 10 अपॉन 2 5th, एन के प्लेस पर 10 पुट किया 10 अपॉन 2 5, 5 प्लस 1 6th टर्म, अब 5th टर्म के प्लेस पर 5th टर्म की वैल्यू, और ये मीडियन का फॉर्मूला है क्योंकि, तो मीडियन किसके इक्वल हो गया 63 के, ठीक है, मीडियन इक्वल्स टू 63 दिया हुआ है, बट मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है इवन केस में, ये होता है, और ये किसके इक्वल है 63 के इक्वल है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने वैल्यूज पुट की, 5th प्लेस के वैल्यू एक्स है और 6th प्लेस की वैल्यू एक्स प्लस 2 है इस डेटा में, और हमें इससे एक्स की वैल्यू पता चल गई 62, सॉरी, बस यही है आंसर, इसमें उन्होंने और कुछ नहीं पूछा है, वो पूछ सकते हैं कि ये टर्म बताओ क्या होगी, तो 62 प्लस 2 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, बट उन्होंने यहाँ पर ये नहीं पूछा है। अगेन ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लीज ये याद रखना कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है, मीडियन दिया है तो आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अगर इसके प्लेस पर मीन दिया होता तो हम मीन का फॉर्मूला अप्लाई करते, सपोज कर उन्होंने बोला होता कि इस डेटा का मीन कितना है 63 है, तो उस केस में मैं क्या करता, मीन का फॉर्मूला अप्लाई करता, मीन का फॉर्मूला मीन्स सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, उसमें ये भी आते एक्स भी आते, एक्स प्लस 2 प्लस 72 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 95, है ना, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल टर्म्स कितनी है 10 है, और उसे इक्वल लगते किसके 63 के, और फिर सॉल्व करके, नहीं बंच, उन्होंने सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम सिर्फ एक्स की वैल्यू पे ही छोड़ देंगे, अगर वो बोलेंगे ऑल्सो फाइंड दीज टर्म्स, तो उस केस में आप लिखोगे कि ये वाली टर्म तो है 62 और ये क्या हो जाएगी 64, है ना, पूछा नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, बट यस लिख सकते हो तुम 62, यहाँ x प्लस 2 के प्लेस पर 64, बट क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो ये बता रहा था कि मीन होगा, तो उस केस में आप इस तरह से सॉल्व करके फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक है।
किसी को कोई प्रॉब्लम अब पूछो इस प्रश्न में। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, है ना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मोड, ऐसे ही बता दो, बताओ क्या मोड होगा इसका। इजी क्वेश्चन, इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, क्या मोड होगा इस केस में, इस डेटा में। ओके और बताओ। 14 ही है, लेट्स सी, चलो कितनी बार रिपीट हुआ है, 14 ही बोला है सबने, 1 2 3 4, 4 टाइम्स, बाकी कोई नंबर नहीं रिपीट हुआ, इतना नहीं हुआ। ठीक है, अरेंजिंग अरेंज करके देख लो, अगर ऐसे देखने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है तो अरेंज करने में क्लियरली दिख जाता है, 4 टाइम्स ये हुआ है, बाकी ये 18 हुआ है लेकिन 3 टाइम्स हुआ है ना, और कोई नंबर रिपीट नहीं है। तो 14 और 18 में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, 14 की, तो मोड क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सिंस द ऑब्जर्वेशन 14 इज अकरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, 4 टाइम्स, सो मोड ऑफ गिवन डेटा इज 14। सपोज करो इस केस में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि मोड ऑफ गिवन डेटा इज 14, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, और मैंने आपको डेटा दिया 14 14 14 18 18 18 20 16 17 20 एंड एक्स प्लस 5, मोड दिया है मैंने आपको इस डेटा का 40, और आपको बतानी है एक्स की वैल्यू, बताइए। नो नो वंश, यस तन्वी, मीडियन नहीं बच्चे, वंश, मोड पूछा है तो मोड ही, मोड है तो मोड का ही फॉर्मूला, मीडियन का नहीं करना इसमें कुछ भी, नो संस्कृति। देखो ध्यान से देखो एक बार, देखो यहाँ पर 14 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, 18 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये भी 3 टाइम्स, बाकी नंबर तो एक एक दो दो बार ही रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला है इस डेटा का मोड क्या है, इस डेटा का मोड है 14, मीन्स 14 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने चेक करा ये तो 3 टाइम्स दोनों ही इक्वली रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्स प्लस 5 के प्लेस पर क्या आना चाहिए, एक्स प्लस 5 के प्लेस पर क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए, क्योंकि 14 मोड है, यहाँ पर 14 आएगा तभी तो हम 20 के प्लेस पर 14 नहीं रख सकते, 2020 होता है, 16 के प्लेस पर नहीं रख सकते, 17 के प्लेस पर नहीं रख सकते, वेरिएबल वैल्यू क्या है यहाँ पर, सिर्फ ये है वेरिएबल वैल्यू, तो हम सिर्फ इसी के प्लेस पर 14 पुट कर सकते हैं, यस संस्कृति। और 14 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 14 पुट किया, इसके प्लेस पर 14 पुट किया, तभी इस डेटा का मोड क्या होगा, 14 होगा, तभी ये 4 टाइम्स रिपीट होगा, अगर हमने यहाँ पर 14 नहीं रखा तो फिर क्या हो जाएगा, वो 18 18 भी हो सकता है, यस आदित्य है, ठीक है। तो हम एक्स प्लस 5 के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, 14 रख सकते हैं, तो एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 14, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। अगर मैं बोलता कि इस डेटा का मीन मोड 18 है, तो मैं एक्स प्लस 5 को के इक्वल क्या रखता, 18 पुट करता, क्योंकि ये भी 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है, 18 को जिताने के लिए मुझे एक 18 और चाहिए, मीन्स मोड बनाने के लिए मुझे 18 और चाहिए, तो मैं एक्स प्लस 5 के इक्वल किसको रख सकता हूँ, 18 को पुट कर सकता हूँ। आ जाता है ऐसा क्वेश्चन भी, मुश्किल ही आता है बट आ सकता है,
मोस्टली आता है वही है, मीडियन वाला जो अभी आपने एक्स वाला किया था, या मीन से रिलेटेड आएगा। मोड से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि वो इजी क्वेश्चंस हैं। नाउ ये इम्पोर्टेंट है, सी इसमें मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा में यहाँ तो आपको ये दी हुई है टेबल, ठीक है। ये टेबल है, सिंपल टेबल है, जिसमें आपको क्लास इंटरवल्स के क्लास मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो इस टेबल का मीनिंग ये है कि 16 वर्कर्स की जो सैलरी है वो 3000 है, 12 वर्कर्स की सैलरी 4000 है, 10 वर्कर्स की सैलरी 5000 है, 8 वर्कर्स की 6000 एंड सो ऑन। इस तरह से उन्होंने 60 वर्कर्स की सैलरी दी हुई है, ठीक है। एंड वी नीड टू फाइंड आउट मीन ऑफ दिस सैलरी। वंश क्या चीज है ये 53000 सम। तो जब भी आपको ग्रुप टेबल, देखो एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जब भी आपको ग्रुप्ड टेबल दी हो और उसका मीन फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पर एक दो टर्म आपको नहीं दिखेंगी। सपोज करो आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई है 3, 8, 6, 9। नाउ अगर इसका मीन कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है क्लास मार्क की। अब क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क होता है, आपने किया होगा पहले भी, अपर लिमिट अपॉन, सॉरी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क जो होता है, किसी भी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2। मीन्स जब आपको ऐसे टेबल दी हुई है तो इसका मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले क्लास मार्क ईच एंड एवरी टेबल का, एवरी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क फाइंड आउट करना होगा, जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स आई से। क्लास मार्क को हम मोस्टली एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो इसका क्लास मार्क क्या होगा? देखो 10 + 20 कितना होता है? 30। 30 का हाफ कितना होगा? 15। 20 + 30 50। 50 का हाफ कितना होगा? 25। 30 + 40 70। 70 का हाफ क्या होगा? 35। एंड 40 + 50 90। 90 का हाफ 45 हो जाएगा। ये क्लास मार्क है, फाइन। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्लास मार्क चाहिए और आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो दी होगी, जैसे यहाँ पर दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी ही है, ये फ्रीक्वेंसी है। और इस केस में इन्होंने क्लास मार्क ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये एक्स आई है। जब इस फॉर्म में दिया हो तो समझ जाओ वो क्लास मार्क है। टेबल में जब आपको इस तरह से दिया हुआ है डेटा और मीन कैलकुलेट करना है तो समझ जाओ ये आपको क्लास मार्क दिया है और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसके बाद में हम एक और कॉलम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एफ आई एक्स आई, मीन्स फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई क्लास मार्क में। फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई क्लास मार्क में 15 3 कितने हो जाएंगे? 45। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो भी वैल्यूज आएंगी उनको करेंगे टोटल और उसे डिवाइड करेंगे किससे? इसके टोटल से। इसको ध्यान रखना, आपको जो याद रखना है, एक तो क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है। अभी ये क्वेश्चन मैं इजीली आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा दूं तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बट आपको टर्म्स समझनी है कि ये एक्चुअली करा क्यों हमने। यहाँ पर अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो सिंपली क्या करोगे, आप एफ आई एक्स आई का एक कॉलम बनाओगे जिसमें आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखोगे वैल्यूज को। 3000 की 16 से मल्टीप्लाई, 4000 की 12 से मल्टीप्लाई, 5000 की 10 से मल्टीप्लाई, है ना, 6000 की 8 से एंड सो ऑन। इस तरह से मल्टीप्लाई करके टोटल जो भी जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का सम कितना है टोटल, हमें क्योंकि सैलरीज मीन सैलरी निकालनी है तो हमें पहले सारे वर्कर्स की सैलरी का सम चाहिए। सारे वर्कर्स की सैलरी का सम कैसे आएगा? जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें करेंगे, क्योंकि एक वर्कर की सैलरी अगर 3000 है तो 16 वर्कर्स की सैलरी कितनी होगी? 16 मल्टीप्लाइड बाय 3।
एक वर्कर की सैलरी अगर 4,000 है तो 12 वर्कर्स की सैलरी कितनी होगी, 12 × 4। इसी तरह से हमने सभी वर्कर्स की सैलरी कैलकुलेट करी, उनको ऐड किया, सो डेट हमें टोटल सैलरी पूरे जितने भी वर्कर्स हैं उनकी पता चल जाए, और उस सैलरी को हम नंबर ऑफ वर्कर्स से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यही होता है हमारा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पर इस केस में सम ऑफ ऑल सैलरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर्स। तो सम ऑफ सैलरी निकालने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। 16 वर्कर्स की सैलरी 3,000 का मतलब क्या है, एक वर्कर की सैलरी 3,000 है तो 16 वर्कर्स की सैलरी कितनी होगी, 48,000 होगी। ये जो टोटल मनी है ये पे की जा रही है उन्हें, और इससे हमें मीन कैलकुलेट करना है, तो इससे हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड ग्रुप्ड। यस वंश, काइंड ऑफ ये आपको डेटा ऑलरेडी ग्रुप्ड करके दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपको डेटा रॉ नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके दिया हुआ है। अगर आप इसको एक्सपेंडेड वर्जन में लिखोगे तो बहुत बड़ा डेटा होगा, वो कैसे दिखेगा, लेट मी शो यू। 3,000, देन 3,000, देन 3,000, देन 3,000, इस तरह से 16 बार तो 3,000 लिखा हुआ है, फिर 4,000। अगर आप डेटा को इसको अनग्रुप्ड में देखोगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये लिखा होगा 12 टाइम्स, फिर लिखा होगा 5,000, अगेन 5,000। तो इस तरह से ना लिख के, अगर इस तरह से डेटा दिया होता तो तब आप क्या करते, इन सभी को ऐड करते है ना, और फिर 60 से डिवाइड करते। वही काम यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डेटा को ऑर्गेनाइज करके ग्रुप करके दे दिया कि जो 16 वर्कर्स हैं उनकी सैलरी 3,000 है, मीन 16 × 3 48,000, 12 वर्कर्स की सैलरी 4,000 है तो 12 × 4 48,000। इनको मल्टीप्लाई कर करके हमने सम ऑफ ऑल सैलरीज निकाला और उसको डिवाइड कर दिया किससे, 60 से। तो इससे हमारा जो इससे हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्म होता है, वो ये होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मीन्स एफ आई एक्स आई वाला जो कॉलम है उसका सम, ये ओवर समेशन ऑफ एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसीज का सम, दैट इज 60। ये फॉर्मूला फॉर्म होता है ग्रुप्ड के लिए, ये आपको 10th क्लास में अगेन बताया जाएगा। अगर आपको ग्रुप्ड टेबल दी है और उसका मीन फाइंड आउट करना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। पहले आप क्लास मार्क कैलकुलेट करोगे, अगर आपको क्लास मार्क नहीं दिया हुआ है, और उससे फिर फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करोगे, उनको ऐड करोगे और उसे डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, 10th क्लास में सेम एज इट इज रिपीट होगा, ये कोई चेंज नहीं, एज इट इज 14th चैप्टर में ही। तो सम ऑफ ऑल सैलरीज कितना है, दिस 305,000 एंड डिवाइडेड बाय 60 मीन्स नंबर ऑफ वर्कर्स, जो हमें देता है 5,083.33। अगेन पूरा नहीं कैंसिल होता है तो डेसिमल के टू प्लेसेस, क्योंकि रुपीज है तो डेसिमल के टू प्लेसेस तक। ये मीन सैलरी है सभी वर्कर्स की, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी है देखने में, बस हमें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसको समझना भी आपको कि हमने मल्टीप्लाई करी क्यों है, हमने इनको ऐड करके क्यों इससे डिवाइड किया है। अगर आप इसको अभी खाली टाइम में थोड़ा सा देखकर सोचोगे, इसको अनग्रुप्ड बनाने की कोशिश करोगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि 3,016 टाइम्स लिखा हुआ है और 4,012 टाइम्स लिखा हुआ है उसी डेटा में, 5,010 टाइम्स लिखा हुआ है। तो एक बहुत बड़ी, अगर ये डेटा हमें अनग्रुप देते तो बहुत बड़ा हमारे पास डेटा होता, उसको ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए, बहुत मिस्टेक्स होती। तो उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा कॉलेप्स करके टेबुलर फॉर्म में दे दिया, और यही इसीलिए ही होता है, जिससे कि हमारे पास, अगर रुपीज नहीं होगा तो डेट डिपेंड्स पीयूष की, जैसे सपोज करो मीटर में है आपके, सपोज ये हाइट दे रखी होती और आपका आंसर मीटर्स में निकलता, तो मीटर्स के बाद में जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर्स के बाद में क्या आते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स 2 डिजिट के होते हैं मोस्टली, है ना, 20 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स। तो उस केस में आपका आंसर अगेन डेसिमल के टू प्लेसेस तक होता, और अगर आपका आंसर सेंटीमीटर्स में आ रहा है और डेसिमल में आ रहा है तो सेंटीमीटर के बाद क्या होता है, मिलीमीटर, मिलीमीटर कितने यूनिट्स में होता है, 2 में, तो अगेन सेंटीमीटर में, यस नहीं, 2 पर आने पर तो वो क्या हो जाता है, मिलीमीटर्स 2 पर आने पर क्या बन जाता है,
सेंटीमीटर बन जाता है ना। तो सेंटीमीटर में अगर आंसर दे रहे हो तो वो डेसिमल के वन प्लेस तक रहता है, क्योंकि टू प्लेस का होते ही तो ये फिर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूं कि कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर्स हैं, तो 10 मिलीमीटर्स का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है ना। तो डेट्स वाई हम सेंटीमीटर्स का आंसर डेसिमल के वन प्लेस तक देते हैं। इस तरह से थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अगेन आप दो प्लेसेस तक लिखाओगे तो गलत नहीं माना जाएगा, सेंटीमीटर्स में भी आप टू प्लेसेस तक लिखा है तो डेट वुड नॉट बी रॉन्ग, वो गलत नहीं माना जाएगा, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्यों टाइम वेस्ट करें जब वन प्लेस से काम चल सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से होगा, जब टेबलर फॉर्म में आपके पास कोई डेटा है और आपको मीन फाइंड आउट करना है, ऐसे केस में मीडियन फाइंड आउट करने के लिए नहीं देंगे, डोंट वरी, वो 10th क्लास में, उसके अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग मेथड्स हैं, मोड के भी और मीडियन के भी, ऐसे केसेस में फॉर्मूलाज हैं जो आपको 10th क्लास में बताए जाएंगे। सो उनके बारे में मत सोचना। मीन फाइंड आउट करने के लिए अगर आए तो आप बस ये याद रखो, आपको मल्टीप्लाई करनी है, उनको ऐड करना है और उसे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज से, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, बस। समझ आया थोड़ा थोड़ा? एक्सक्यूज मी सर, जी बोलिए। सर वैसे ये जो हमने 5083 निकाला, ये मतलब मीन, मतलब ये इन सब की अगर सैलरी मिलाई जाए तो मतलब 5083 सबको मिलेगा नहीं, अगर इसका मतलब बेस। इनका, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी को अगर ऐड करके इक्वली डिवाइड करा जाए हर एक को, है ना, ऐसा ना देखा जाए कि किसी को 10,000 मिल रहे हैं, किसी को 20,000 मिल रहे हैं, वो ना देखकर उन्होंने सोचा कि सबकी सैलरीज को ऐड करके सबको इक्वली दिया जाए, तो ये वो वाली सैलरी है जो सबको इक्वली मिलेगी, मीन्स एवरेज सैलरी। ओके सर, तो अब हम, ये तो था लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला क्वेश्चन नहीं करना है आपको, उसको छोड़ देना, अगर किसी के टीचर कराते तो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू बाद में, लेकिन उसे करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल देने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको करना भी है तो प्लीज एक बार खुद सोच के उसमें थोड़ा दिमाग लगाना कि हम अगर ऐसा एग्जाम्पल देना है तो क्या एग्जाम्पल देंगे, ट्राई करके देखना उसे खुद ही, मैं नहीं बताऊंगा अभी आपको, आई एम श्योर टीचर भी उसको स्किप करा देंगे, बट अगर करवाते हैं तो आप मुझे बताना कि उसका आंसर क्या होगा, पूछना नहीं बताना, कि खुद सोचकर कि उसका आंसर क्या होगा। अभी नहीं वंश, अभी मुझे कराने दो क्वेश्चन बाद में। इसके बाद में हम करेंगे ग्राफ्स। ग्राफ्स इजी हैं, ग्राफ मुश्किल नहीं है, ग्राफ्स में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है और जो आएगा वही आता है, इजी ग्राफ्स कभी भी नहीं आते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स ही आएंगे। और वो ग्राफ्स कौन से होंगे, लेट मी शो, अभी तो नहीं, हाँ स्टार्टिंग से ही करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपका ग्राफ्स ड्रॉ करना सभी को आता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबको पता है, प्लीज एक बार बता दो, ग्राफ शो ड्रॉ करने आते हैं सभी को, किए हुए हैं छोटी क्लासेस में? यस, तो उसी का ध्यान रखना है यहाँ पर। यस वंश, यहाँ पर एक सर्वे कराया हुआ है, ये दो स्टार्टिंग के जो दो क्वेश्चंस है वो आउटडेटेड हैं एक्चुअली, मोस्टली टीचर्स स्किप भी करा देते हैं, स्टिल आप कर लेना, ग्राफ ही ड्रॉ करना है। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वीमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स। इन्होंने बोला कि एक सर्वे किया गया जिसमें उन्होंने जो 15 से 45 ईयर्स 44 ईयर्स की जो विमेन है उनकी जो क्या कहते हैं, इलनेस है, ठीक है, मींस पुअर हेल्थ है और डेथ है, वो किस किस रीजन से है उसके बारे में, जो मेजर उनकी प्रॉब्लम्स है उसका डेटा कलेक्ट किया परसेंटेज में। तो सर्वे में सबसे ज्यादा जो देखो आप दिख रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हैं, जिससे 31.8 जो महिलाएं हैं, विमेन हैं, वो बीमार हैं या फिर उनकी डेथ हुई है। फिर न्यूरो साइकराइटिक हैं जो कंडीशंस हैं जो 25.4% हैं, एंड सो ऑन, इंजुरीज से हैं, फिर
सॉरी रेस्कुलर से हैं, देन रेस्पिरेटरी से हैं एंड अदर कॉजेज से हैं। ये आपको डेटा दिया हुआ है एंड सबसे पहले हमें इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ मैं इजिली ऐसे ही ड्रॉ करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका ग्राफ आपको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनमें ज़्यादा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 से स्टार्ट है और 31 तक है, तो आप 5 5 का डिफरेंस ले सकते हो, 35 तक में आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। और ये क्योंकि एक न्यूमेरिकल डेटा नहीं है, आप देखोगे इधर की साइड जो आपके पास वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिकल ग्रुप्ड नहीं है, है ना, अनग्रुप्ड है। तो ऐसे केस में आप हमेशा बार ग्राफ बनाते हो, याद रखना ऐसे केस में हम कभी भी हिस्टोग्राम नहीं बनाते। हिस्टोग्राम हम तब बनाते हैं जब हमारे पास ग्रुप्ड डेटा होता है क्लास इंटरवल के साथ में, लाइक दिस। आपको अगर ऐसे डेटा दिया है 22 30 32 40, तब आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं लिखा है। और अगर आपको इस टाइप का डेटा दिया है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और वो वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट करती हैं, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज को, यानी कि अनग्रुप्ड डेटा। ये अनग्रुप्ड डेटा को हमेशा हम बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आपको यहाँ पर ऐसे नहीं देखना है कि यहाँ से यहाँ तक लेना है, यहाँ से यहाँ तक लेना है, बस ये याद रखना है बार्स का जो विथ है वो सेम होनी चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। डजेंट मैटर कि कितना ले रहे हो आप, 1 यूनिट लो 2 यूनिट लो, मोस्टली तो 1 यूनिट ही लेते हैं, लेकिन आपको ज्यादा लेना है तो आप ज्यादा भी ले सकते हो। सो ये इसका एक डेटा हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। डोंट फॉरगेट कि ऐसी वैल्यूज आ सकती हैं जो ग्राफ के जो बॉक्सेस होंगे छोटे छोटे उससे आप रिप्रेजेंट ना कर पाओ। सपोज करो आपको पता है कि 1 यूनिट के बीच में कितने बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, बता सकते हो? अगर हम 1 सेंटीमीटर वाला लेते हैं ये, तो कितने बॉक्सेस होते हैं उसके बीच में, 10 होते हैं छोटे छोटे, है ना। तो अब आपको अगर डेटा दिया हुआ है 2.25, तो उस केस में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2.2 तो शायद कर भी दो, लेकिन 2.25 कैसे करोगे? तो ऐसे केस में हम अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं, 2.25 है तो उसे आप 2.3 से कर सकते हो या फिर 2 से कर सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि डेटा किस टाइप का है। कई बार ऐसा होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू आप रिप्रेजेंट ना कर पाओ ग्राफ पर, तो आप अप्रोक्स वैल्यू ले सकते हो। इस केस में तो स्पेशली ले ही सकते हो अगर आप ठीक से नहीं, वैसे तो आपने 5 5 का डिफरेंस लिया है, तो आई डोंट थिंक इसमें से कोई भी वैल्यू आपको रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान रखना कि जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हमेशा आपकी किस पर आती हैं, ये जो होगी वो हमेशा वाई एक्सिस पर, और जो आपकी एक्स आई होती है, ये क्लास इंटरवल होती है, कुछ भी होती है, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आती है। अगर आप ग्रुप टू डेटा का कैलकुलेट ग्राफ बनाओगे 10 to 20, 20 to 30, तो ये वाली वैल्यूज हमेशा एक्स एक्सिस पर आएंगी और जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो हमेशा वाई एक्सिस पर आती है, ठीक है। इसका रीजन ये होता है, थोड़ा सा बता देता हूँ, आई होप समझ आ जाए आपको, हालांकि है ये 10th क्लास का, कि हम एक्स एक्सिस पर क्यों लेते हैं ये क्लास इंटरवल और वाई एक्सिस पर उनको क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यूज लेते हैं, इंडिपेंडेंट वैल्यूज, ठीक है। इंडिपेंडेंट वैल्यूज का मतलब है, मैंने मन में सोचा कि मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें मैं 10 से लेकर 12 ईयर्स के स्टूडेंट्स की हॉबीज को लिखूंगा, कि वो म्यूजिक कितने बच्चे पसंद करते हैं, और 12 से 14 ईयर्स के बच्चों की म्यूजिक के बारे में पूछूंगा कि उसमें से कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो ये वाला जो डेटा है, ये वाली जो रेंज है, ये मैंने रखी है ना, ये डिपेंड नहीं करती है। लेकिन जब मैं सर्वे करने जाऊंगा, बच्चों से पूछूंगा, तो उनकी नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। मैंने सपोज करो 5 बच्चों से पूछा कि आप म्यूजिक पसंद करते हो या नहीं करते हो, तो 5 में से ये है 8 ईयर्स का, ये है 12 ईयर्स का, ये है 11 ईयर्स का, ये है 10 ईयर्स का, और ये है 13 ईयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा डेटा आएगा वो किस पर डिपेंड करता है, इस क्लास इंटरवल पर 10 से 12 के बीच में मैं जो डेटा लूंगा वो कौन कौन सा लूंगा, 10 से 12 के बीच में मैं 10 लूंगा और 11 लूंगा, है ना, बस 2 ही बच्चे आएंगे। तो ये वाला जो डेटा है वो किस पर डिपेंड करता है, इस क्लास इंटरवल पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट रखी हुई है 10 to 12, तो ये तो इंडिपेंडेंट है,
ये तो मैंने अपने हिसाब से लिया है, लेकिन ये जो 2 आया है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता, यहाँ पर मैं 14 या 13 लिख देता, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पर फिर वो 13 वाला भी आ जाएगा। तो ये है डिपेंडेंट, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये डिपेंडेंट होती है, जिनको हम हमेशा वाई एक्सिस पर लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वैल्यूज होती है उन्हें हम एक्स वैल्यू पर लेते हैं। यस, किंक बनाते हैं वो ग्रुप्ड डेटा में बनाते हैं, जब हमारी वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं होता है तब हम किंक बनाते हैं। किंक सबको पता है किंक क्या होता है? वो दोनों ही एक्सिस पर हो सकता है, याद रखना, एक्स पर भी और वाई पर भी। किंक किंक हम तब बनाते हैं जब हमने, सपोज करो एक डेटा मुझे रिप्रेजेंट करना है, 100, 200। अब मैंने यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है ना, 100 है, फिर 120 है, फिर 122, 130 है, फिर 132, 140 है। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या है, 120 है। अब यहाँ पर तो क्या हो गया, 0 से 100 तक का तो 100 डिफरेंस है, बट 100 से 120 का डिफरेंस कितना है, 20 का है, फिर 120 से 140 का डिफरेंस भी 20 है, तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का 100 और यहाँ से 20, 20 का डिफरेंस, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इस डिफरेंस को शो कराने के लिए हम किंक बना देते हैं कि हाँ भाई, हम 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में डिफरेंस जो है वो 20, 20 का ही है। इसको हम किंक बोलते हैं, इसलिए यूज होता है ये किंक, जब हमारे क्लास विथ जो होती है ये इक्वल नहीं होती, स्टार्टिंग में कुछ और है और उसके बाद में कुछ और है, तो उसको डिफरेंस को रिजोल्व करने के लिए हम किंक बना देते हैं। ठीक है, किंक आप तभी बनाना, ऐसा नहीं कि हर एक ग्राफ में बना दो जब आपका डिफरेंस हो, यहाँ पर वैल्यूज में 0 से 100 है, फिर उसके बाद में 20, 20 का डिफरेंस है, या कुछ भी हो सकता है ना। तो ये तो इजी सा ग्राफ है, इसको आप बनाकर देख लेना। अगेन ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, तो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? कौन सा है, आप खुद ही देखकर बता दो। सबसे ऊंचा ग्राफ किस कंडीशन का जा रहा है, आप इसे देखकर बता सकते हो। सबसे ज्यादा जो डेथ या इलनेस है वो किस रीजन से है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से, करेक्ट। सबसे ज्यादा 31.8 किसका है, रिप्रोडक्टिव कंडीशंस का। तो इस केस में उन्होंने पूछा है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकंड अबव। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन में, इसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, आप खुद भी बता सकते हो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से अगर किसी की बीमारी हो रही है या फिर डेथ हो रही है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, कैन यू टेल मी? आप अपने हिसाब से बता सकते हो, इसमें कोई परफेक्ट आंसर, अगेन ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें परफेक्ट आंसर भी जरूरी नहीं है, आप अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपनी अपनी नॉलेज से बता सकते हो, वो मैं बताऊंगा कि वो करेक्ट होगा या नहीं होगा। गुड फूड, रिप्रोडक्टिव कंडीशंस का बच्चे गुड फूड से नहीं लेना देना है, मतलब ऑब्वियसली गुड फूड तो हर हर एक कंडीशन में ही आपको चाहिए, बट मेजर रीजन पूछा उन्होंने, पूछा देखा है ना कि यहाँ पर जो टू फैक्टर्स हैं जो मेजर रोल इसमें निभा रहे हैं। सबसे इजी तो देखो, जब भी मेडिकल से रिलेटेड हो तो साफ साफ लिख दो कि वहां पर यस फैसिलिटीज ना हो, मे बी जिस एरिया में रहते हैं, है ना, वहां पर फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, या फिर वो इतने एजुकेटेड ना हो कि उन चीजों के लिए, जैसे कई बार पहले होता था कि जो रिप्रोडक्टिव कंडीशंस होती थी गांवों में, अब भी होता है कि उन केसेस में कितनी भी क्रिटिकल कंडीशन हो उनको डॉक्टर के यहाँ पर नहीं ले जाते हैं। एजुकेशन लिटरेसी रेट जो है या एजुकेशन है वो बहुत जरूरी है इन सब चीजों को यूज करने के लिए। वो कहते हैं ये इसके लिए बाहर क्या जाना, ये तो घर में ही हो जाते हैं काम, या छोटी मोटी प्रॉब्लम है इसको हम घर में ही टैकल कर लेंगे। सो एजुकेशन, एजुकेटेड ना होना, दूसरा हो सकता है एजुकेटेड हो, उन्हें पता भी हो, लेकिन दे डोंट हैव मनी, दे डोंट हैव रिसोर्सेस, है ना। सो पॉवर्टी भी हो सकती है इसका एक मेजर रीजन, कि उनके पास इतने साधन नहीं है, उनके पास इतनी मनी नहीं है कि वो मेडिकल फैसिलिटीज को अवेल कर सके, जिसकी वजह से घर में ही वो बीमार रहते हैं या फिर डेथ भी हो जाती है। अगेन आप अपने आंसर लिख सकते हो इसमें, अगर लिखने को आते हैं, हालांकि अगेन बोल रहा हूँ कि ये एक आउटडेटेड क्वेश्चन है,
तो मेरे हिसाब से एग्जाम के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बट अगर आता है तो आप अपने हिसाब से इसमें मेजर रोल जो आपको सही लगते हैं लिख सकते हो। इन चीजों की आजकल कोई डिस्कशन नहीं होती है, तो आपको जब हम स्कूल में थे तो ये चीजें इनके डेटा और इनके बारे में डिस्कशन टीवी में भी होता था, रेडियो में भी होता था, क्योंकि ये तब उस वक्त बहुत ज्यादा कंडीशंस होती थी और बहुत ज्यादा इनके ऊपर डिस्कशंस होते थे कि इतने ज्यादा डेथ क्यों हो रही है इन कंडीशंस में, या किस चीज से निपटने के लिए, जैसे पोलियो था तो उसके लिए वैक्सीनेशन आया था तो उसके ऊपर डिस्कशन होते थे। तो आप लोगों के सामने ये सब चीजें नहीं होती हैं, तो आई एम श्योर कि आपको इतना ज्यादा नहीं पता इन चीजों के बारे में, स्टिल अपने हिसाब से आप जो भी आंसर देना चाहो दे सकते हो इस केस में। फाइन, बाकी के ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट ग्राफ हैं वो वाले मैं पहले करा दूंगा, फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी होगा एंड बार ग्राफ तो ये है ही, हिस्टोग्राम एंड रेक्टेंगल वाला जिसमें विथ होती है रेक्टेंगल की, सेपरेटली सेपरेटली बनाते हैं उनको। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, प्लीज असाइनमेंट कर लेना कल तक।